हेलो गाइस, मैं हूँ यश और आप देख रहे हो यश हैशटैग कूल स्टफ। तो आज अभी दिवाली शुरू हो रही है और उसके लिए आपको लैंटर्न्स, फिर फराल, आप बहुत खाने की चीजें, बहुत चीजें कर सकते हो, क्रैकर्स बर्न करते हो, पर आज हम लोग उन सब में से बनाएंगे लैंटर्न। और एक चीज मुझे बतानी है, अगर आप लोगों को एक आर्टिफिशियल क्रैकर नहीं, खुद का क्रैकर बनाना हो, तो मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की है जो है क्रैकर, हाउ टू मेक अ क्रैकर विथ पेपर। तो चलिए शुरुआत करें। इस DIY के लिए आपको सिर्फ कुछ ही चीजें लगेंगी, जैसे कि वन पेयर ऑफ सीजर, एक धागा, फिर हमें इस सुई की जरूरत नहीं पड़ेगी पर इस धागे के साथ थी इसीलिए मैंने रख ली है, एक क्राफ्ट पेपर का पैकेट, एक A4 साइज पेपर और एक थोड़ा सा बड़ा कलर शीट। आपको चाहिए तो आप इसके लिए भी A4 साइज पेपर यूज कर सकते हो जिसे येलो कलर दिया गया है। तो उसके साथ ही हमें एक ग्लू की बॉटल और एक होल पंच करने वाली मशीन लगेगी। अगर आपके पास होल पंच करने वाली मशीन नहीं है तो आप सिंपली पेंसिल से भी होल बना सकते हो, बस इरेजर नीचे रख लेना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्राफ्ट पेपर निकाल लेना है। आपको थोड़े से क्राफ्ट पेपर निकाल लेना है। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, मैं रैंडमली ऐसे ही कोई भी कलर चूज कर रहा हूँ। आपको कुछ 6-7 क्राफ्ट पेपर लगेंगे। पर येलो क्राफ्ट पेपर आपको नहीं चाहिए क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का भी कलर येलो ही है। आपको क्या करना है, इसे लेना है और ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड कर लेना है, आप देख सकते हो ऐसे फोल्ड करना है। फिर ग्लू ले लेना है और इसके इस साइड पे, ये जो साइड है, इधर ग्लू लगा लेना है। अच्छे से ग्लू लगाने के बाद उसे इसके ऊपर ओवरलैप कर लेना है। ऐसे ही आपको सारे 6 पेपर्स के साथ करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे 6 क्राफ्ट पेपर्स के साथ वही किया है और आप जैसे कि देख सकते हो, इसे अच्छे से आपको ओवरलैप करना है और अच्छे से ग्लू लगाना है। तो गाइस, इसके बाद हमें जो येलो क्राफ्ट पेपर्स हमने निकाल लिए थे उन्हें लेना है और उन्हें पहले रेक्टेंगुलर फोल्ड करना है। रेक्टेंगुलर फोल्ड करने के बाद स्क्वायर फोल्ड कर लेना है, ऐसे अच्छे से स्क्वायर फोल्ड कर लेना है और अब इसे ओपन करना है और हमारी सीजर्स लेके इसे ऐसे काट लेना है स्क्वायर में। तो दोस्तों, मैंने उस एक क्राफ्ट पेपर को 4 पीसेस में काट लिया है। तो अभी हमें इसे वापस रेक्टेंगल में फोल्ड कर लेना है और वापस एक स्क्वायर में फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, आपको ये जो ऊपर की ओपनिंग्स नजर आ रहे हैं, ये ऐसा ओपन हो रहा है, उन ओपनिंग्स को हमें याद रखना है। उनका कुछ काम नहीं है पर अभी हमें याद रखना है और उस ओपनिंग और ये एंड, इन दोनों को याद रखने के बाद उसे ऐसे फोल्ड कर देना है इनटू अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में फोल्ड करने के बाद आपको ये जहां पे ओपनिंग्स थे वहां पे
ऐसे काटना है एक पेटल की तरह। आप कैसे भी काट सकते हो पर मैं एक पेटल की तरह काटूंगा क्योंकि हमारा फ्लावर सुंदर लगेगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसे खोलने के बाद ये एक मस्त फ्लावर बन गया। अगर आपका फ्लावर इतना अच्छा नहीं बना तो आप इसे वापस फोल्ड कर ले सकते हो और इसे वापस अच्छे से शेप दे सकते हो इन चार स्क्वायर कट्स के साथ यही करना। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फ्लावर्स बना लिए हैं सेम टेक्निक से जो मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अब इसके आगे करते हैं। इसके आगे कोई भी जो अपना आपने बनाया था ऐसा उसे ले ले और उसके ऊपर ग्लू लगाए और इसे स्टिक कर दे। तो आपको इसके ऊपर एक डॉट ऑफ ग्लू लगा देना है और उसके ऊपर इस फ्लावर को अच्छे से आपको स्टिक कर देना है, अच्छे से स्टिक करना है। ऐसे ही हमें अपने सारे पेपर्स के साथ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे उन हमने जो बनाया था कोन शेप वाला उसके ऊपर मैंने फ्लावर्स लगा दिए। तो अब इसके आगे इसके बाद हमें हमारी ब्लू कलर की शीट लेनी है और ये सब जो छह है उन्हें इस पे स्टिक कर देना है। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे स्टिक करना है। तो इसे एक को किसी भी एक पेपर को ले ले उसके पीछे गम लगा दे अच्छे से और उसे ऐसे लाइटली प्रेस करते हुए अपने पेपर पे स्टिक कर दे। ऐसे ही आपको सारे छह इनको स्टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है, ऊपर से थोड़ा सा एक फिंगर स्पेस आपको छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स मैंने उन छह इसमें से पांच ही इनको स्टिक किया है क्योंकि आपको बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है क्योंकि ये जब गोल करेंगे हम इसे तो यही जगह है जहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और अगर यहाँ पे ये होगा तो ये बेंड हो जाएगा इनटू हाफ और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए साइड में रख देना है और हमें हमारे व्हाइट शीट पे काम करना है। तो व्हाइट शीट पे आपको अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको जो क्रीज मिल जाएगी इसे अच्छे से फोल्ड करें वापस और अच्छे से मस्त इसे एक क्रीज बना ले। क्रीज बनाने के बाद आपको कैची से वहां तक ही काटना है, उससे ज्यादा नहीं काटना है। मैं आपको एक काट के दिखा देता हूं। आपको उधर तक ही ऐसे काटना है और ऐसे ही आपको स्ट्रिप्स बनाने हैं पतले पतले। मैंने व्हाइट कलर लिया है क्योंकि व्हाइट कलर मुझे पसंद है। आपको कोई और कलर पसंद होगा तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैंने इसे स्ट्रिप स्ट्रिप में काट दिया है अच्छे से एक एक स्ट्रिप मैंने काट ली है और पूरी नहीं काटी है, सिर्फ जहां पे हमने क्रीज बनाया था उधर तक ही काटी है। तो दोस्तों अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें वो येलो शीट जो हमने सूखने के लिए रखी थी वो ले लेनी है और उसके नीचे इस व्हाइट शीट को लगा देना है।
आप सोचोगे कि ये थोड़ी सी छोटी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इसे राउंड सर्कल में बना दोगे तो साइड के जो जगह है बचे हुए वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप में स्टिक हो जाएंगे। तो इसे स्टिक करना है, हमने जो क्रीज बनाई थी उसके ऊपर हमें ग्लू लगा लेना है। और इसे स्टिक कर देना है। अब इसे स्टिक करने के बाद हमारा लैंटर्न तो बन चुका है। अब इसे हमें उल्टा कर लेना है थोड़ा सावधानी से, और इसे हमें गोल, मैंने कहा था वैसे, सर्कल में लगा लेना है। और इसे हमें यहाँ पे स्टिक कर लेना है, जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक्स्ट्रा स्पेस ओवरलैप हो जाएगी। तो अब मैं आपको स्टिक करके दिखाता हूँ। अच्छे से ग्लू लगाना है और इसे स्टिक कर देना। इसे अब थोड़ा देर हमें ड्राई होने देना है और अंदर हाथ डाल के थोड़ा सा इसे प्रेस करना है, जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। और आप देख सकते हो हमारा लैंटर्न बन चुका है। अब हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा जगह बची है वहां पे एक थोड़ा सा पेपर लगा देना। और ये जो जगह बची है यहाँ पे हमें हमारा लास्ट वाला ये स्टिक कर देना। तो दोस्तों मैंने वो दोनों एजेस को चिपका दिया है और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा लैंटर्न रेडी हो चुका है। अब बस हमें सिर्फ एक ही चीज का काम है, जो है पंचिंग मशीन। तो हमें पंचिंग मशीन से क्या एग्जैक्टली करना है, यहाँ पे पंचिंग मशीन को डाल के सिर्फ एक होल बना लेना है दोनों तरफ। तो गाइस चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दो होल्स पंच कर लिए है। अब हमें इसमें से सिर्फ धागा डालना है। तो गाइस हमारा ब्यूटीफुल लैंटर्न रेडी है। कैसा लगा, मस्त था ना? तो आपको कैसा लगा वो मेरे वीडियो के नीचे मुझे कमेंट देके बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।